हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली फ्रेंड्स, परीक्षाओं को लेकर जो भी चेंजेस तारीखों को लेकर होनी थी तो फाइनली वो कर दी गई है और परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा फिर से एक नई डेट शीट जारी कर दी गई है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे, साथ ही डेट शीट भी आप सभी को दिखाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर प्रशिक्षुओं का। सबसे पहले इस नोटिस को देख लेते हैं। ये जारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा ये नोटिस जारी की गई है समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य एवं जिला शिक्षण संस्थान को। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट दिया गया है कि डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2023 आयोजित किए जाने के संबंध में केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये नोटिस जो है जारी की गई है। साथ ही साथ यहाँ आपकी डेट शीट भी जारी कर दी गई है। अब देख सकते हैं यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी मतलब प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 26 से 1 जुलाई तक संपादित कराए जाने हेतु 12/6/2023 तक परीक्षा केंद्रों को प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग लखनऊ द्वारा सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम पंचायत यानी कि जो भी BDO का एग्जाम है उनका 26 से 27 जून 2023 को एग्जाम प्रस्तावित है। इसीलिए विचार करने के बाद जो है समय सारणी में चेंज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लखनऊ द्वारा DLED प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर हेतु पूर्व प्रस्तावित परीक्षा तिथियों में संशोधन करते हुए नवीन समय सारणी अनुमोदित की गई है। नवीन जो परीक्षा है वो निम्नवत है। DLED BTC फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक होगा जुलाई में, ठीक है। उसी प्रकार DLED BTC तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी वो 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और नीचे जैसे ही आएंगे इसमें ये भी मेंशन किया गया है, उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय के पत्र दिनांक 6 जून 2023 को उल्लेखित परीक्षा तिथि को इस सीमा तक संशोधित मानते हुए DLED प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर वर्ष 2023 हेतु परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव 17/6/2023 तक अनिवार्य रूप से अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और 6 जून मतलब दिनांक 6 जून 2023 में उपलब्ध अन्य शर्तें जो भी मतलब पहले थी वो बिल्कुल जस के तस रहेंगी। यानी कि कहा गया है कि और 2 दिन है, आप केंद्रों की जो भी प्रक्रिया है प्रस्ताव है वो उसे कंप्लीट करिए और जो हम परीक्षाएं कराएंगे नए डेट पर कराएंगे, जो कि अभी आप देख सकते हैं डेट शीट अभी आप सभी की स्क्रीन पर है, ठीक है। परीक्षा DLED परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर की जो है 3 जुलाई, ठीक है। और उसके बाद से 3 तारीख को आप सभी के 2 पेपर होंगे, बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। 4 तारीख को जो है आप सभी के 3 पेपर होंगे, विज्ञान गणित और सामाजिक अध्ययन। वहीं 5 तारीख यानी कि 5 जुलाई को आप सभी को हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर का पेपर देना होगा। तो ये टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। जैसे ही आप तृतीय सेमेस्टर में आएंगे तो 6 तारीख का जो है आप सभी को 2 पेपर होगा, शैक्षिक मूल्यांकन एवं यानी कि आप कह सकते हैं जो 50-50 नंबर के पेपर हैं वो दोनों पेपर एक दिन कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद से 7 तारीख को आप सभी के 3 पेपर होंगे, विज्ञान गणित और सामाजिक अध्ययन। 8 तारीख को भी आप सभी को 3 पेपर देखने को मिलेंगे, हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर। तो आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा और क्लासेज आप सभी की तैयारी अब बिल्कुल अब कंप्लीट कर ली गई हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आपसे बस यही उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि डेट में बदलाव हुआ है या फिर क्या है क्या नहीं है। तो आपके एक शेयर से उन्हें बहुत ही हेल्प हो जाएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।